नमस्कार दोस्तों, आधार ICX के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। काफ़ी सारे टॉपिक्स आप लोग ज्योग्राफी में पढ़ चुके हैं। आज ज्योग्राफी में एक नया टॉपिक आपको पढ़ना है, पवन, हवाओं के विषय में आज हम बात करेंगे। समीर, घातक हो जाता है नाम कभी कभी इंटरव्यू के दौरान। पता चला समीर नाम है और आपसे पवनों पर क्वेश्चन शुरू हो गए, तो बात करेंगे पवन के विषय में। ये उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध पहली दो क्लासों में ही आपको बताई गई थी। यही चीज चर्चा करेंगे अभी चित्र के बारे में। अभी सबसे पहले हवाएं होती क्या है? धरातल पर प्रवाहित हवाओं की दिशा, जो हवा होती है उसकी गति कैसे निर्धारित होती है? धरातल पर प्रवाहित जो हवाएं होती हैं उनकी दिशा वायुदाब, जो उनकी दिशा है वो वायुदाब और पृथ्वी की घूर्णन गति के द्वारा निर्धारित होती है। लिख लीजिए, धरातल पर प्रवाहित हवाओं की दिशा वायुदाब तथा पृथ्वी की घूर्णन गति द्वारा निर्धारित होती है। ठीक है, एक और महत्वपूर्ण चीज, कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल लिखना है तो छोटा सा हेडिंग बना लीजिए, होता क्या है? पृथ्वी की अक्षीय गति, अपने अक्ष पर पृथ्वी रोटेट होती है, रोटेशन होता है, मूवमेंट बताए थे मूवमेंट में आपको, कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती रहती है। तो पृथ्वी की अक्षीय गति के कारण हवाओं की दिशा में परिवर्तन हो जाता है या विक्षेप हो जाता है, तो इस परिवर्तनकारी बल को विक्षेप बल कहा जाता है। इस परिवर्तनकारी बल को क्या कहा जाता है? विक्षेप बल। लिखिए पहले इतना, पृथ्वी की अक्षीय गति के कारण हवाओं की दिशा में विक्षेप हो जाता है, इस परिवर्तनकारी बल को विक्षेप बल कहा जाता है। विद्वान जी जी कोरियोलिस के नाम पर, इन्होंने इसके विषय में बताया था, के नाम पर इसे कोरियोलिस बल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोरियोलिस बल कहा जाता है। एक और छोटा सा हेडिंग बनाइए, फैरल का नियम या फैरल्स लॉ। ये क्या होता है? तो जो फैरल महाशय थे, इन्होंने पवन की दिशाओं के संबंध में अपना मत प्रतिपादित किया कि इनकी दिशाएं कैसे बदलती हैं। देखिए, फैरल नामक विद्वान ने पवन दिशा संबंधी अपने मत का प्रतिपादन किया। लिख लीजिए, समझाते हैं। इस नियम के अनुसार जिस दिशा में पवन प्रवाहित हो रही है उस दिशा में मुंह करके खड़ा हुआ जाए तो हवाएं उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिने तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाएं ओर मुड़ जाती है। तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कोरियोलिस फैरल्स लॉ, फैरल का नियम। अब इसे एक मिनट के लिए समझ लीजिए। उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं चलेंगी वो इस तरह अपने दाएं मुड़ती चली जाएंगी,
अपने दाहिने ये हवा मुड़ती चली जाएगी। ये कैसे घूमती जाएगी? क्लॉकवाइज, घड़ी की सुइयों के अनुसार, और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाएं, अपने बाहें ये मुड़ती चली जाएगी। इसे क्या कहेंगे? एंटी क्लॉकवाइज या घड़ियों के सुई की विपरीत दिशा में। ये बात समझ में आई? उत्तरी गोलार्ध में कैसे क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में कैसे मुड़ती चली जाएंगी? एंटी क्लॉकवाइज। ये है फेरल का नियम। क्या है? फेरल का नियम। इसे हटा दें। चलिए, यहां तक चीजें साफ क्लियर आपके माइंड में? एक काम कीजिए, एक छोटा सा ब्रैकेट में डाल दीजिए मैटर। दाब प्रवणता किन्हीं दो स्थानों के बीच, लिख लीजिए, किन्हीं दो स्थानों के बीच वायु दाब के अंतर को दाब प्रवणता कहते हैं। दाब प्रवणता को बैरोमीट्रिक ढाल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बैरोमीट्रिक ढाल भी कहा जाता है। इसे ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब आ जाते हैं कोरियोलिस इफेक्ट पर वापस। याद रखिएगा कि भूमध्य रेखा पर कोरियोलिस बल का प्रभाव शून्य होता है, जबकि ध्रुवों पर अधिकतम होता है। यह विचार ब्रैकेट में डाल लो। भूमध्य रेखा पर कोरियोलिस बल का प्रभाव शून्य होता है, जबकि ध्रुवों पर अधिकतम होता है। क्लियर? अब एक और चीज छोटी सी जिसकी चर्चा करनी है, स्थल समीर। स्थल समीर, साथ ही दूसरा जो इसी में चर्चा करेंगे वो होगा सागरीय समीर। ये क्या होते हैं? सुनाए इनके बारे में, थोड़ा बहुत अनुमान है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, समझने की कोशिश कीजिए कि दिन के समय, स्थल समीर के बारे में बता रहे हैं, दिन के समय स्थल का जो भाव होता है वो जल की अपेक्षा क्या होता है? जल्दी गर्म हो जाता है, तभी तो पानी में नहाते हैं, आराम मिलता है, मजा आता है, टेम्परेचर कम है पानी का। तो दिन के समय स्थलीय भाग गर्मियों में जल की अपेक्षा जल्दी गर्म हो जाता है, जिस कारण सागर के जो तट है, जो समुद्र के किनारे हैं, वहां पर जो जमीन है वो जल्दी गर्म हुई, वहां की हवा गर्म होकर ऊपर उठ गई। यही होगा ना? सागर है, समुद्र की अपेक्षा वहां के जो तट है वहां पर धूप पड़ी, सूर्य के कारण वहां पर गर्मी बढ़ी, जो गर्मी के वजह से जो वहां हवा थी पास में वो गर्म होकर ऊपर उठ गई, और इस कारण क्या हुआ? जो सागर वाली हवा थी वो उस स्थान की ओर आएगी। तो होता क्या है, लिख लीजिए, दिन के समय स्थलीय भाग जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म हो जाता है, जिस कारण सागरवर्ती तटीय भाग पर निम्न दाब क्षेत्र तथा सागरीय भाग पर उच्च दाब स्थापित हो जाते हैं। ठीक है ना? जिस कारण सागर से स्थल की ओर हवाएं चलने लगती हैं, इन हवाओं को सागरीय समीर
कहा जाता है? क्या कहा जाता है? क्लियर? यहां तक क्लियर आया? आगे सूर्यास्त के बाद क्या होता है? सागरीय समीर समाप्त होने लगता है, क्योंकि जब सूर्यास्त हो गया तो स्थलीय भाग से जल की अपेक्षा पृथ्वी से विकिरण तेज होगा। स्थलीय भाग से विकिरण जल की अपेक्षा तेज होगा, तो स्थलीय भाग से लिख लीजिए, सूर्यास्त के बाद ही सागरीय समीर समाप्त होने लगता है। समझाते भी जा रहे हैं, क्योंकि स्थलीय भाग से जल की अपेक्षा तीव्र विकिरण होने से ऊष्मा का ह्रास अधिक होता है, ऊष्मा का ह्रास अधिक होता है और स्थलीय भाग शीघ्र ठंडे हो जाते हैं, जिस कारण स्थलीय भाग पर उच्च दाब, जिस कारण स्थलीय भाग पर उच्च दाब तथा सागरों पर निम्न दाब क्षेत्र बन जाता है, परिणाम स्वरूप स्थल से हवाएं जल की ओर चलने लगती है। इसे क्या बोलते हैं? स्थलीय समीर। जल देरी से ठंडा होगा, रेडिएशन के कारण पृथ्वी जल्दी ठंडी हो जाएगी, तो इसके ऊपर की हवा, जल के ऊपर की हवा गर्म होकर ऊपर उठ जाएगी और स्थल वाली हवा यहां आएगी, तो ये क्या है? स्थलीय समीर। यहां तक क्लियर चीज है? अब बात करते हैं घाटी और पर्वत समीर की। किसकी? घाटी और पर्वत समीर की। हेडिंग बना लीजिए, हेडिंग बनाइए प्लीज। हाँ, घाट, ये सारी चीजें आपको अभी पढ़ेंगे ना, मानसून वगैरह, तो ये चीजें अगर आपकी क्लियर नहीं है तो प्रभु आगे बहुत दिक्कत होगी, इसलिए छोटी छोटी चीजें हैं जो आपकी क्लियर करनी पड़ रही है। स्थल ये हो गया, अगला बनाइए ना है आपको घाटी और पर्वत समीर। घाटी समीर और पर्वत समीर, ये क्या होते हैं? ये भी मिल है, सारी चीजें मिलती जुलती, अगर एक समझ गए तो ये भी समझ जाएंगे। इसमें क्या होता है? दिन के समय पर्वतीय घाटियों के निचले भाग में अधिक तापमान के कारण, लिख लो समझा हुआ है, एक बार में समझ में आएगा, टेंशन मत लो। दिन के समय पर्वतीय घाटियों के निचले भाग में अधिक तापमान के कारण हवा गर्म होकर ऊपर उठती है तथा पर्वतीय ढालों के सहारे ऊपर उठती हुई आगे बढ़ती रहती है, तथा वर्षा करती है। इसे घाटी समीर कहते हैं। समझ में आया नहीं आया? घाटी गर्म हुई, हवा ऊपर उठी, पर्वतीय ढाल उनके सहारे चढ़ती चली गई, अपना ड्यू पॉइंट उसे मिलेगा, वर्षा शुरू हो जाएगी। अभी आगे आप वर्षा पढ़ेंगे तो और ज्यादा अच्छे से समझेंगे। पैराग्राफ चेंज करके लिख लीजिए। रात्रि के समय पर्वतीय ढालों के तथा ऊपरी भागों पर विकिरण द्वारा तापमान में कमी अधिक होती है। रात्रि के समय पर्वतीय ढालों के तथा ऊपरी भागों पर विकिरण द्वारा तापमान में कमी अधिक होती है, जिस कारण हवा ठंडी हो जाती है। यह ठंडी तथा भारी हवा ढालों के सहारे घाटियों में नीचे उतरती है, इन्हें पर्वत समीर कहते हैं। ठीक है, क्लियर यहां तक? अब एक अगला छोटा सा हेडिंग बनाइए, विश्व की प्रमुख स्थानीय हवाएं। फैक्ट्स हैं, आपको लिखने ही है, लिखा दे रहे हैं, वहां से आप क्या देखेंगे पता नहीं है हमें, हमारे सेटिस्फेक्शन के लिए, आपके सेटिस्फेक्शन के लिए लिख लीजिए। विश्व की प्रमुख स्थानीय हवाएं, इसमें सबसे पहले लिखिएगा गर्म हवाएं। गर्म हवाएं,
पहली महत्वपूर्ण इसमें जो गर्म हवा आपको लिखनी है, भारत में गर्म हवाओं को क्या बोलते हैं? लू। तो आपको जो पहली लिखनी है यहां लिखनी है चिनूक, चिनूक। इसमें लिखिए अमेरिका एवं कनाडा में, अमेरिका एवं कनाडा में यह पवन रॉकी पर्वत श्रेणी की, रॉकी पर्वत श्रेणी की पूर्वी ढाल पर पाई जाती है। यह पवन इस क्षेत्र के पूर्वी भाग में स्थित, इस क्षेत्र के पूर्वी भाग में स्थित चारागाह को बर्फ के प्रभाव से मुक्त रखती है, बर्फ के प्रभाव से मुक्त रखती है, इसी कारण इसे हिम भक्षी हवा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिम भक्षी। ठीक है, अगली हवा जो आपको पढ़नी है हरमटन, हरमटन। ये क्या है? इसमें लिखिए यह पश्चिमी अफ्रीका के सहारे, यह पश्चिमी अफ्रीका के सहारे, सॉरी पश्चिम अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान से, पश्चिम अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान से गिनी के तट तक चलने वाली हवा है। गिनी के तट पर स्वास्थ्यप्रद मौसम बनाने के कारण, गिनी के तट पर स्वास्थ्यप्रद मौसम बनाने के कारण इसे डॉक्टर वायु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डॉक्टर वायु। ठीक है, अगली जो आपको नोट करनी है वो आप कीजिए सिमूम, ये भी इंपॉर्टेंट है। सिमूम, इसके बारे में भी दो शब्द लिख लीजिए। यह अरब तथा सहारा के मरुस्थल में चलने वाली, यह अरब तथा सहारा के मरुस्थल में चलने वाली एक रेत से भरी हवा है, एक रेत से भरी हवा है जिसमें दृश्यता काफी कम हो जाती है, जिसमें दृश्यता काफी कम हो जाती है। ठीक है, ये हो गया। अगली जो लिखनी है वो लिखिए सिरांको, सिरांको। ये क्या है? सहारा मरुस्थल से, लिख लीजिए सहारा मरुस्थल से इटली में प्रवाहित होने वाली यह हवा, सहारा मरुस्थल से इटली में प्रवाहित होने वाली यह हवा बालू के कणों से युक्त होती है। जब इटली में बारिश होती है तो इन बालू के कणों के कारण, तो इन बालू के कणों के कारण वर्षा की बूंदें लाल रंग की हो जाती हैं। इसलिए इटली में इसे रक्त वर्षा कहा जाता है, रक्त वर्षा कहा जाता है, रक्त वर्षा कहा जाता है। इसके बाद जो आप लिखेंगे वो लिखिए कोयम बैंग, ये लिखिए आप कोयम बैंग। ये क्या है? यह इंडोनेशिया, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा जावा, यह इंडोनेशिया ब्रैकेट में जावा में बहने वाली गर्म हवा है जो कि
तंबाकू की खेती को नुकसान पहुंचाती है। नेक्स्ट वर्गस। वर्गस ये कहां बहती है, ये ध्यान रखना है। अब आगे दक्षिण अफ्रीका, वर्गस दक्षिण अफ्रीका। इसके बाद आप आगे लिखिए खमसिन। ये तो इजी है, ये तो जानते होंगे आप सभी। नहीं जानते खमसिन? खमसिन चलती है मिस्र में। कहां? मिस्र। नेक्स्ट गिबली। गिबली ये है लीविया। कहां? लीविया। नेक्स्ट लिवेंटर। लिवेंटर चलती है स्पेन में। नेक्स्ट ब्लैक रोलर, महत्वपूर्ण है ब्लैक रोलर। ये चलती है उत्तरी अमेरिका में। कहां? उत्तरी अमेरिका में। कुछ और बची है वो भी लिख लीजिए। नेक्स्ट जो लिखनी है आपको लिखिए शामल। शामल, शामल का क्षेत्र है ईरान तथा इराक का। कौन कौन, कहां कहां का? ईरान तथा इराक का। अगली महत्वपूर्ण लिखिए बाग्यो। बाग्यो ये आपको मिलेगी कहां? ये मिलेगी फिलीपींस द्वीप समूह पर। ब्रिक फील्डर। ब्रिक फील्डर ये कहां की महत्वपूर्ण है? ये है ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल की। नेक्स्ट सांता आना। सांता आना। सेंटेना कैलिफोर्निया। और लास्ट इसमें नॉर्वेस्टर। नॉर्वेस्टर ये आपको कहां मिलेगी? स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड में, उत्तरी न्यूजीलैंड में स्पेशली। एक और लिख लीजिए फॉन। बाय चांस पूछ ले फॉन स्विट्जरलैंड। कहां? स्विट्जरलैंड। तो गर्म हवाओं में आपको इतनी ध्यान रखनी है, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी? ठंडी हवाओं की। हेडिंग कर लो ठंडी हवा। ठंडी हवा, ठंडी हवा में सबसे पहली जो याद रखनी है वो है मिस्ट्रल। मिस्ट्रल इसमें लिख लीजिए दो लाइनें कि यह फ्रांस के आल्प्स पर्वत। फ्रांस के आल्प्स पर्वत पर चलने वाली हवा है, फसलों के लिए अत्यधिक हानिकारक होती है। नेक्स्ट लिखिए बोरा। बोरा ये कहां मिलेगी? ये मिलेगी इटली और यूगोस्लाविया में, एड्रियाटिक सागर के तट पर। कहां? एड्रियाटिक सागर के तट पर। कहां? इटली और यूगोस्लाविया। एक और लिखिए ब्लीजार्ड। ब्लीजार्ड इसका अन्य नाम है हिम झंझावात। हिम झंझावात ब्लीजार्ड। ब्लीजार्ड कहां चलती है? ये चलती है साइबेरिया, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका। कहां कहां? साइबेरिया, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका। अगली लिखिए पैम्परो। पैम्परो, पैम्परो कहां मिलेगी? ये मिलेगी अर्जेंटीना और चिली में। पुर्गा। पुर्गा, पुर्गा का क्षेत्र है टुंड्रा प्रदेश वाला। नेक्स्ट विली विली। विली विली इसका महत्वपूर्ण क्षेत्र है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट कैप डॉक्टर या टेबल ब्लॉक। टेबल ब्लॉक, कैप डॉक्टर या टेबल ब्लॉक ये मिलेगी आपको दक्षिण अफ्रीका में। एक और लिखिए विली वाव। विली वाव, विली वाव आपको मिलेगी अलास्का में।
फ्राइजेन फ्राइजेन ये मिलेगी ब्राजील में, कहां? ब्राजील में। जूरन जूरन मिलेगी आपको स्विट्जरलैंड, कहां? स्विट्जरलैंड। पोनेंटी पोनेंटी के लिए आप कुछ का क्षेत्र है दक्षिण अफ्रीका का, ठीक है? तो ये आपको बेसिक याद रखनी है, ठंडी और गर्म हवा है। अब एक छोटा सा टॉपिक और है, वो भी कंप्लीट कर लेते हैं। ये लिख लिया आप लोगों ने, लिखिए फटाफट। एक छोटा सा टॉपिक है जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम क्या होती है, कैसे, कहाँ, क्या है इसका एक पैराग्राफ छोटा सा आप या चार पांच लाइनें इसके बारे में आप लिख लीजिए, ताकि कहीं एग्जाम में अगर पूछता है तो आपके लिए याद रहे, ठीक है? बिठा दें। हेडिंग बना लीजिएगा जेट स्ट्रीम, लिखना है इसमें भी। देखिए क्षोभ पढ़ा चुके हैं क्योंकि चीजों को, इसलिए लिखना है केवल। क्षोभ मंडल याद आ रहा है, ट्रोपोस्फेयर, परिवर्तन मंडल, अधोमंडल, सम्मोहन मंडल। हाँ, तो क्षोभ मंडल की ऊपरी परतों में, क्षोभ मंडल की ऊपरी परतों में पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर अत्यंत तीव्र गति से चलने वाली, अत्यंत तीव्र गति से चलने वाली पवन धाराओं को जेट स्ट्रीम कहा जाता है। जेट स्ट्रीम कहा जाता है। यह 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर, यह 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दोनों गोलार्ध में वर्ष भर प्रवाहित होती रहती है, दोनों गोलार्ध में वर्ष भर प्रवाहित होती रहती है। इसकी खोज द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, इसकी खोज द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी बम वर्षक विमान द्वारा की गई, अमेरिकी बम वर्षक विमान द्वारा की गई। 1947 में सीजी रोसबी द्वारा इसे जेट स्ट्रीम नाम दिया गया, सीजी रोसबी द्वारा इसे जेट स्ट्रीम नाम दिया गया। जेट स्ट्रीम वायुमंडलीय विक्षोभ चक्रवात प्रतिचक्रवात तूफान वर्षा आदि को उत्पन्न करने में सहायक होती है, आदि को उत्पन्न करने में सहायक होती है। यही रुक जाइए, तो आपको इस टॉपिक में यहीं तक पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक की कल चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।